Hey friends, welcome back to my channel Trade with Sid. This is your friend Siddhant Goswami, professional trader and mentor. My dear friends, it's been a gap when I made the last video. By the way, this video is in Hindi. If in case you think that we are going to teach you what is forex trading in English, so by the way, this video is in Hindi from one of my team member Ankush. Okay, so he will be teaching you what is forex trading in Hindi. By the way guys, if you do not know, if you are going to comment below this particular video, you have the chance to win $50 in my next video where I will be teaching you my secret golden zone strategy. Okay, so guys, without much ado, let's start this video, and I hope you're going to support us by hitting the like button, subscribing to my channel and writing a beautiful comment so that you can win $50 in my next video, which is coming in the next 2 days. So let's start this video. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करूंगा 40s forex trading। तो जितने भी बिगिनर्स हैं जिनको forex trade करना है, ये वीडियो आपके लिए है। कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। मेक श्योर आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रहता है जो फॉरेक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत बड़ा लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स ट्रेड करते हैं, बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं। और हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखिए, 24 आवर ओपन रहता है 5 डेज, और बस वीकेंड के लिए क्लोज रहेगा दोस्तों। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट के बराबर ये जो टाइम है, ये बहुत टाइम है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए, इसलिए फॉरेक्स ट्रेड करना चाहिए। अगर आप बिजनेस में हो, कोई जॉब में है, तो उनके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये हमें दिखाता है 6.6 ट्रिलियन एक दिन का वॉल्यूम है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड जो भी बैंक से ये ट्रेड करते। तो हमें ये अगर मार्केट समझना है, तो हमें इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो हमारे चैनल में जितने भी वीडियो है, वो सभी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं अभी सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा। सेकेंड पॉइंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। फॉरेक्स को आपने समझ लिया, अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। अब देखना, ये जो है एक एन एक्सचेंज रेट इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ टू कंट्रीज फ्रॉम टू डिफरेंट कंट्रीज। तो अभी देखना, दो अलग अलग कंट्रीज है, उनकी एक पेयर बन जाएगी। जैसे अभी आपको जो सिंबल दिख रहा है, ये है डॉलर और जापान का। कैसे, अगर डॉलर, आपको डॉलर का साइन दिख रहा है और जापान का, तो ये जो पेयर बन जाएगी, ये पेयर हो जाएगी यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते, कौन सा टाइम रहता है, सभी देखेंगे। तो बस इतना समझ लीजिए, दो कंट्रीज हैं, उन पर हमें ट्रेड करना है। वो करेंसी बन गई हमारी करेंसी पेयर, और उस करेंसी पेयर पर हम ट्रेड करेंगे। ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अभी देखना, ये करेंसी पेयर एक्चुअल में आपको फुल फॉर्म कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। करेंसी पेयर में फर्स्ट क्या है हमारे पास, यूरो एसडी। तो समझ जाइए, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट। यूएसडी जेपीवाई, जैसे कि हमने पिछला सिंबल देखा, यूनाइटेड स्टेट और जापान का। जीबीपी यूएसडी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट का। और यूएसडी ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट का। तो ऐसे बहुत सारे पेयर से, ऐसा नहीं कि बस ये चार है। मैंने बस एक एग्जांपल के लिए आपके सामने चार पेयर्स ला के रखे हैं, क्योंकि आपको समझिए कि कंट्रीज को हम कैसे देख सकते हैं फुल फॉर्म में। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज ये होता है कि अगर कोई, मान लो एक बंदा यूएसडी से $1,000 लेकर इंडिया आता है, ठीक है, और फिर वो फॉरेन एक्सचेंज बूथ, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक रहेगी, वहाँ पर जाके अपने $1,000 देगा, और उसके बदले में आज की जो रेट चालू है यूएसडी की, यानी डॉलर की रेट, अगर $1.82 का है, तो हमें इंडियन रुपीस में उस बंदे को 82,000 मिलेंगे। समझ रहे हो, इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज बैंक काम करता है। तो अब ये जान लो कि अगर डॉलर का रेट तो एक जैसा रहेगा नहीं, जैसे जैसे डॉलर का रेट कम ज़्यादा होगा हमारे इंडियन रुपीस के हिसाब से, वो जो चेंजेस आएंगे
वो कहाँ मिलेंगे हमें? फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उसे हम इसी तरह से ट्रेड करेंगे, कोई भी पेयर हो। तो डेली हर एक करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। ये बात समझने के बाद अभी आगे देखते हैं, पेयर्स के बारे में थोड़ी जानकारी देख ले। यहाँ पर GBP पहले क्यों है और USD आखिरी क्यों है, ये पेयर की इंफॉर्मेशन कैसे पता लगी मुझे, ये कैसे समझा मुझे? अभी यहाँ पर देखना, एक बेस करेंसी रहेगी और एक कॉट करेंसी रहेगी। बेस करेंसी कौन सी है? GBP है, और USD करेंसी है कॉट करेंसी। क्यों? अगर मान लो मुझे अगर GBP USD को बाय करना है, यानी कि मैं GBP को अगर बाय कर रहा हूँ, तो मुझे USD सेल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं मेरा USD बेचूंगा तभी मैं GBP को खरीद पाऊंगा, इतना सिंपल है। तो जो भी पहली पेयर रहेगी उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी। अगर GBP यानी यूनाइटेड किंगडम में कोई न्यूज़ आती है फंडामेंटली, ये सबसे पहले वोलाटाइल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेस करेंसी जो है, ये जो पेयर है वो किस पर बनी है? वो यूनाइटेड किंगडम पर बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि करेंसी कौन सी पेयर इंपॉर्टेंट है। ये देखने के बाद अभी आगे देखते हैं, मार्केट सेशंस रहते हैं दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो कौन से सेशन है जो हमारे लिए बेस्ट है? अब यहाँ पर 3 सेशन आपको दिख रहे हैं। अब 3 सेशंस में फर्स्ट जो है वो सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, सेकंड है वो 12:30 और थर्ड है 5:30 बजे। अब देखना, जो 5 बजे स्टार्ट होता है उसे कहते हैं एशियन सेशंस। तो इसमें हम कम वॉल्यूम दिखेगा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम बिल्कुल नहीं दिखेगा। सेकंड जो है लंदन सेशन, अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखेगा, वहाँ के ट्रेडर्स इस टाइम पर इस सेशन में ट्रेड करेंगे, और वो जो टाइम रहेगा वो हमारे इंडिया टाइम के हिसाब से हमारे लिए 12:30 बजे रहेगा दोपहर के, ठीक है। और थर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहने वाला सेशन है, उसे कहते हैं न्यूयॉर्क सेशन। ये 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और 9:30 बजे तक स्टार्ट रहता है, ठीक है। ये आपको कन्फर्म है, इसमें बेस्ट सेशन है लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। ये 2 सेशंस है इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं बड़े वॉल्यूम के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे पास, व्हाट इज पिप्स। पिप्स यानी क्या? अब देख लो, एक इंडियन चार्ट के हिसाब से अगर मैं 100 रुपये का कोई स्टॉक खरीद रहा हूँ और उसकी प्राइस 150 रुपये अगर चली गई, तो मुझे मुनाफा कितना हुआ? मैं कहूंगा 50 पॉइंट का मुनाफा हुआ या 50 रुपये का मुझे मुनाफा हुआ। इसी तरह से फॉरेक्स में हम इसे पिप्स में कहते हैं। इतना समझ लो, ये पिप्स क्या है? एक यूनिट है जो हमें कैलकुलेट करके देगा हमारा प्रॉफिट और लॉस, बस इतना समझ लो। बाकी उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते वो भी देखेंगे, चार्ट में बताऊंगा। ये ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है कितने पिप्स है, ठीक है। अभी देखना नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, यूरो USD अगर पेयर है, मान लो 1.1050 अभी करंट रेट चालू है, और अगर वो 60 चला जाता है, लास्ट के जो 2 डिजिट है अगर वो 60 चले गए, तो मुझे 10 पिप्स की मूवमेंट मिल गई, ठीक है। और मान लो अभी सेकंड सेक्शन में देखना, वो 50 से 150 चले गया, तो मुझे 100 पिप का मूवमेंट मिल गया। इस तरह से हम पिप्स को कैलकुलेट करते हैं। इसे ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम स्केल है ट्रेडिंग व्यू पर, हम उसे यूज करके मैं आपको दिखा दूं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेक्स में लॉट कैसे रहते हैं। अभी आपने इंडियन मार्केट में देखा होगा लॉट्स लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अब ये जो लॉट है वो फॉरेक्स में कैसे है? फॉरेक्स में फर्स्ट नंबर पे है सबसे बड़ा जो लॉट रहता है उसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड लॉट। यहाँ पर अगर 10 पिप्स की मूवमेंट आपको मिल जाए तो आपका $100 का प्रॉफिट हो जाता है। उसे 1 जब आपको कंसिडर करना है तो वो रहेगी आपकी स्टैंडर्ड लॉट। 0.1 लॉट जो रहती है उसे कहते हैं मिनी लॉट। अगर 10 पिप्स मार्केट की मूवमेंट आपको मिल जाए तो आपको $10 प्रॉफिट्स होगा। और थर्ड है हमारे पास माइक्रो लॉट, जो है 0.01 लॉट। यहाँ पर आप इसे ऐसा समझ लो, 10 पिप मूवमेंट अगर आपको मिल जाए तो आपको $1 का प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरह से लॉट का मैंने आपको समझा दिया फॉरेक्स में। अब देखना यहाँ पर एक बात है, मार्केट ऑर्डर्स क्या रहती है। जो मार्केट ऑर्डर्स है वो इंस्टेंट रहती है,
इंस्टेंट बाय एंड इंस्टेंट सेल। अगर पेंडिंग ऑर्डर की मैं अगर बात करूं तो यहां पर रहती है बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप। इस तरह से चार पेंडिंग ऑर्डर हमें मिलती है। वो कैसे वर्क करती है अभी चार्ट्स पर देखते हैं। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं और पिप्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ये पेंडिंग ऑर्डर लगाना कैसे रहता है इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों हम आ गए चार्ट्स पे और सीएचएफ में। यहाँ पर एग्जांपल लूंगा, अब समझ लीजिए और सीएचएफ है, यानी यहाँ पर अभी और जो है वो है ऑस्ट्रेलिया और सीएचएफ जो है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको पेयर्स कैसे पहचाननी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पिप कैलकुलेट अगर करना है तो आपको यहाँ इस सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर मेजर लिखा हुआ मिलेगा, मेजर स्केल है जो हमें कैलकुलेट करके बताएगा। अब देखो इस तरह यहाँ से मार्केट अगर मैं सेल करता हूँ और इस यहाँ तक आता हूँ तो मुझे कितने पिप्स मिल रहे हैं, यहाँ पर है 61 पिप्स। ठीक है, 61 पिप्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूवमेंट हुई उसे हम कहेंगे 60 पिप्स। तो यहाँ से सिंपल है, स्केल उठाओ, उसको मार्क कर लो कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितना लॉस बन रहा है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ इस सपोर्ट से रिटेस्ट पर, तो अगर मेरा टारगेट ये है तो समझ लो यहाँ पर मुझे कितने डॉलर्स प्रॉफिट मिलता, $45। अगर मैं 0.10 से लॉट करता, अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड करता तो मुझे मिलते $450 अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट लेके ट्रेड करता, और अगर मैं मिनी लॉट लेकर ट्रेड करता तो मुझे मिलते $4.5। बहुत सिंपल है। अब देखना अभी पेंडिंग ऑर्डर्स ये कैसे लगाते, कैसे हम आइडेंटिफाई करते। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेल लिमिट के बारे में। सेल लिमिट के बारे में देखो, अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अब आपका प्रेडिक्शन है मार्केट रिटेस्ट करेगा और फिर मैं एंट्री लूँगा, तो आपको सेल लिमिट लेनी है। जब मार्केट डाउन साइड है और अपर, आपको ऊपर से सेल करना है तो आप लोगे सेल लिमिट। ठीक है, और अगर मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया है और आपको नीचे से बाइंग करनी है तो आप यूज़ करोगे बाय लिमिट। सिंपल है, दोनों ऑर्डर पता दिए। अब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या है, अब देखना अगर ये तीनों कैंडल एक साथ है, यहाँ पर कोई भी बड़ी कैंडल नहीं छोटी नहीं है, और आपका प्रिडिक्शन है अगर ये इसने तोड़ दिया तो ये बहुत ऊपर तक जाएगा, ये आपका प्रिडिक्शन है, यानी इसको लेवल को तोड़ दिया तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप यूज करोगे बाय स्टॉप। और दोस्तों सेल स्टॉप क्या होता है, मान लो ये सपोर्ट है और आपका प्रिडिक्शन है मार्केट डायरेक्ट यहाँ से अगर गिरता है तो ये डायरेक्ट डाउन साइड जाएगा, तब आप यूज करोगे सेल स्टॉप। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।